हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। माय नेम इज़ संदीप। और आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टीए है, टैक्स असिस्टेंट, उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, उसके प्रमोशन कैसे होते हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है, किस तरह के जॉब एस्पेक्ट होते हैं, क्या उनको फील्ड वर्क करना पड़ता है, कि ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीए की एंट्री की, कि टीए किस तरीके से रिक्रूट होता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टीए की रिक्रूटमेंट होती है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू होती है। एसएससी सीजीएल से आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, टीए की जो सैलरी होती है, टीए जो पोस्ट होती है, ग्रेड पे 2400 पे, जिसकी बेसिक पे स्टार्ट होती है 25,500, और इस हिसाब से इसकी सैलरी बनती है एक्स सिटी में लगभग 42,000 अप्रोक्स आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा वेरी कर सकता है सिटी टू सिटी, क्योंकि कई अलाउंसेज होते हैं जो सिटी पे डिपेंड करते हैं किस तरह की सिटी में आप ज्वाइन हो रहे हो। बट दिल्ली की मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्स ग्रुप में आती है, जनरल आपको 42,000 आपको सैलरी अप्रोक्स मिलेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, कि सैलरी मिल गई, इसके बाद में जॉब किस तरह का जॉब है, क्या हमें करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, टैक्स असिस्टेंट की जो जॉब होती है वो मोस्टली डेस्क वर्क होता है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ असेसमेंट करने होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, कुछ आपका अकाउंट्स टाइप का काम होता है टोटली, और आपको पूरा 9 to 6 डेस्क वर्क करना होगा। एक्सेप्ट सम टाइम आपको जो इनकम टैक्स रेड करता है उसमें आपको असिस्ट करने के लिए कॉल किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड हम बात करते हैं ट्रांसफर्स की। ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपकी भर्ती होगी, जब आपका नॉमिनेशन होगा उसके बाद में आपको जोन अलोकेट होगा, और जिस जोन में आप जाएंगे ये डिपेंड करता है कि उस जोन में किस तरह की वैकेंसी हैं, किस तरह वहाँ पे ट्रांसफ़र चल रहे हैं। वहाँ पे अगर वैकेंसी कम होगी तो वो आपको ट्रांसफ़र नहीं देंगे। बट जनरली आप 3 साल कम्प्लीट करने के बाद में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 1 साल है, वो 1 साल के बाद में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है टैक्स असिस्टेंट में। टैक्स असिस्टेंट में प्रमोशन, जो पहला प्रमोशन आपको देखने को मिलता है, 3 साल बाद एक आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं जो नॉर्मल सी होती है। उसमें आपके वर्क से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का होता है, और आप बन जाते हैं सीनियर टीए, जो कि ग्रेड पे 4200 की जॉब है, और जहाँ पे आपकी सैलरी लगभग हो जाती है 50+ अप्रोक्स। इसके बाद में अगेन 3 साल बाद में आपको एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और देनी होगी, और आप बन जाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और जो कि एक बहुत ही ग्लैमरस जॉब है, जो ग्रेड पे 4600 पे होती है, और सैलरी अभी मेरे को बेसिक पे याद नहीं आ रहा है, बट सैलरी आपकी अप्रोक्स 60 के समथिंग चली जाएगी आईटीआई के बाद। और पर ये फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास होते ही आपको आईटीआई या फिर सीनियर टीए बना दिया जाए। एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी है कि जो कि आपको पास करनी ज़रूरी है, उसके बाद में जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रहती हैं उस हिसाब से सीनियरिटी बेसिस पे आपको बनाया जाता है। उसके बाद एक अगर अगले प्रमोशन की बात करें तो आप एक एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर होता है, और जिसकी ग्रेड पे 5400 होती है, और जिसकी सैलरी लगभग 80 के आसपास जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्रमोशन होते हैं वो सीनियरिटी बेसिस होते हैं, और डिपार्टमेंट में किस तरह की वैकेंसी अराइज हो रही हैं। और फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जोन में हो उसमें ट्रांसफ़र, कोई बोलता है आपको कि नहीं ट्रांसफ़र धीरे होते हैं, या ये जोन टू जोन डिपेंड करता है कि किस जोन में वैकेंसीज कितनी अराइज हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टीए है उसकी जॉब प्रोफाइल पूरी, शायद मैं बता चुका हूँ। ये जो वीडियो है वह मैं सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ,
फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर भी करना, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है और जो मैं यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहा हूँ जो मैं यहाँ बैठ के मेहनत कर रहा हूँ वो आपके फ्रेंड्स तक, लोगों तक पहुँच पाएँ और पता चल सके जॉब के बारे में। एक फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा था कि टैक्स असिस्टेंट और सीजीएल ऑडिटर को आप कंपेयर करके बताइए कि कौन सी जॉब बेटर है। फ्रेंड्स, जॉब को कंपेयर करने से कुछ नहीं होता है। आप इनिशियल लेवल पे या फिर आपको कोई भी कंपेयर करके बता देगा कि ये जॉब ऐसी है, ये जॉब ऐसी है। एक्चुअल में जो जॉब डिपेंड करती है वो किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होती है, किस ऑफिस में आप रहते हो, ठीक है, किस तरीके के आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जॉब दोनों ही अच्छी हैं, सीजीएल ऑडिटर भी जॉब अच्छी है, बट इसमें ग्लैमर नहीं है इस डिपार्टमेंट में। अगर आपको ग्लैमर लेना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो आप जा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, टीए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है संदीप, चलता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद।